दोस्तों यहाँ पर फाइटर मूवी से लेकर जो है वो भाई साहब एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री तो हैरान थी, लेकिन अब जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिशियंस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर जो कि हमको योगी आदित्यनाथ का जो है काफ़ी शानदार रिव्यू सामने आता हुआ दिखाई दिया है फाइटर के ऊपर। यहाँ पर योगी जी बोलते हुए देखने को मिले हैं कि फाइटर जो कि यहाँ पर देशभक्ति वाली मूवी है, इस मूवी के अंदर हमारे देश के जवानों यानी कि एयरफोर्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जाएंगी और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ऊपर से यहाँ पर जो है वो भाई साहब मूवी के अंदर हमको जो कि देश का झंडा ले जाते हुए देखने को मिले हैं ऋतिक रोशन, इसी वजह से जो कि यहाँ पर ये मूवी हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मैसेज होने वाला है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी जनता को जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवेयर करने वाला है कि हमारे जवान जो है कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेलते हैं, कितने ज़्यादा जो है वो हमको अपनी जान के ऊपर जो है वो यहाँ पर रिस्क लेकर हमारी सुरक्षा करते हैं। ये सब जो है हमको सीखने को मिलेगा इस मूवी से, और उसी के साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर काफ़ी बड़ा देशभक्ति का मैसेज है। तो इस वजह से जो कि हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि इस मूवी को देखें और समझें कि कैसे जो कि यहाँ पर हमारे जवान हमारे लिए अपनी जान को भी खतरे के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों इस मूवी के अंदर जो कि हमको काफ़ी बड़े जंगी माहौल देखने को मिलने वाले हैं, उसी के साथ यहाँ पर जो कि इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन काफ़ी बड़े एक्शन के साथ दिखाई देंगे और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर जो कि यहाँ पर फाइट और बमबारी करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमको जेट्स के अंदर स्टंट होते हुए दिखाई देंगे और भाई साहब यहाँ पर जो कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी जो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा ले जा सकता है, जिसका जो कि नाम है यहाँ पर ऋतिक रोशन। बंदा हर रोल के अंदर जो कि फिट आके बैठ जाता है। ऊपर से यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद की मूवी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर पठान के अंदर जो कि तबाही मचाई है सिद्धार्थ आनंद ने, उसका जो कि यहाँ पर डंका आज तक बजता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग खान के स्टारडम को देने के अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा हाथ था वो यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद था पठान मूवी का था। उसके बाद यहाँ पर जो कि हमको देखने को मिलने वाली है फाइटर, तो आपको ये तो 100% दोस्तों पता होना चाहिए कि ऋतिक रोशन भैया यानी कि हमारे इंडिया के क्रिश जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आने वाले हैं थिएटर्स के अंदर और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर तबाही करने वाले हैं, और यहाँ पर 2024 के अंदर जो कि सारा डंका जो है यहाँ पर ऋतिक रोशन के नाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वार 2 भी उनकी जो है वो आने वाली है। तो भाई साहब काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर तबाही होती हुई देखने को मिलेगी हमको यहाँ पर। थिएटर्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर टूटते हुए दिखाई देंगे, काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है। अब देखते हैं क्या सीनरी होते हैं। वैसे आपका क्या रिव्यू है, आपका क्या ख्याल है यहाँ पर फाइटर मूवी के बारे में, ये दोस्तों जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलिएगा। ये छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर फाइटर मूवी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसी वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो हम जो कि आप तमाम दोस्तों तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हरे कृष्णा राधे राधे।